नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपी कम करने के घरेलू नुस्खे क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं अपने बीपी को कम करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज के दौर में ब्लड प्रेशर के मरीज की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दौड़ भाग भरी जिंदगी, फास्ट फूड और अनियमित दिनचर्या की वजह से हर उम्र के लोगों में हाई बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वह स्थिति है जिसमें दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह काफ़ी तेज हो जाता है। आज हम जानेंगे उन घरेलू नुस्खों के बारे में जिनकी मदद से हम बीपी को कम कर सकते हैं। नंबर 1, लहसुन गार्लिक फॉर रिड्यूस बीपी। लहसुन का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके लिए लहसुन की 2 कलियों को सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाना चाहिए। अगर चबाने में परेशानी है तो लहसुन के रस की 5 से 6 बूंद को भी 20 ml पानी में मिलाकर पी सकते हैं। प्याज, ईट ऑनियन फॉर रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए प्याज रामबाण है। प्याज में क्वेरसेटिन नामक फ्लेवोनॉइड्स तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे रक्त वाहिकाएं पतली हो जाती हैं। यही कारण है कि प्याज के सेवन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है दालचीनी। सिनामोन हेल्प्स इन रिड्यूस बीपी। आयुर्वेद में हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवा दालचीनी बताई गई है। इसके साथ ही डायबिटीज से भी बचाती है। इसके प्रयोग से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेथी और अजवाइन एनुग्रीक एंड सेलेरी फॉर रिड्यूस ब्लड प्रेशर। मेथी और अजवाइन के पानी से भी बीपी कम किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को 1 चम्मच मेथी और अजवाइन पाउडर को पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह इसे पी लेने से बीपी कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है त्रिफला। त्रिफला इन हाई ब्लड प्रेशर। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए त्रिफला काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए 20 ग्राम त्रिफला को पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें, फिर सुबह इस पानी को छानकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। ते हैं बीपी कम करने के अन्य तरीके के बारे में। दीज वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। नंबर 1, हफ्ते में 3 से 4 बार पूरे शरीर पर तेल से मालिश कराएं, इससे रक्त संचार बेहतर होता है। नेक्स्ट है तनाव को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट है भोजन में नमक की मात्रा कम रखें। नेक्स्ट है दूध में हल्दी और दालचीनी को मिलाकर पीने से भी फायदा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।